नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियार। आज का कोविड बुलेटिन आ गया है और आज जम्मू कश्मीर में कुल कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 4,650 यानी कि 4,650 ये आंकड़ा है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, जिसमें कि लगभग 37 लोगों की मौत हुई है। 25 जम्मू डिवीज़न से हैं इनमें और 12 जो है कश्मीर डिवीज़न से हैं, और लगभग 1,877 लोग जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं। जो आंकड़ा है आपको मैं बता दूँ, जो डेथ रेट है उसमें लगभग जो 10 लोग हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से जिनकी मौत हुई है, 3 लोग जो हैं वो जीएमसी रजौरी से जिनकी डेथ हुई है, 1 मौत जीएमसी डोडा, 2 मौतें सिटी हॉस्पिटल जम्मू, 1 मौत सीआईएमएस जलंधर में हुई है, 1 मौत केसीजीएमसी करनाल में, 1 एसडीएच मेंडर में, 1 मौत हुई है नारायणा हॉस्पिटल कटरा में, और 5 लोग ब्रॉड डेड लाए गए हैं। ये जम्मू का आंकड़ा है जो कि लगभग इसमें 37 लोगों में से ही आते हैं। इसके अलावा कश्मीर डिवीज़न की बात करें, वहाँ पर सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर में 2 मौतें हुई हैं, 1 मौत स्किम सोरा में हुई है, 4 मौतें एसएमएचएस श्रीनगर में हुई हैं, 1 मौत सीएचसी सोपोर में, 2 मौतें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा, 1 मौत जेएलएनएम हॉस्पिटल श्रीनगर और 1 स्किम्स बेमिना में। तो जो आंकड़ा है वो कश्मीर सिटी से 1,296 जो लोकल लोग हैं वो पॉजिटिव हैं, 15 लोग जो हैं ट्रैवलर हैं। इसके अलावा लगभग 559 जो हैं वो जम्मू से हैं, 39 लोग जो हैं ट्रैवलर हैं। 4,650 से लगभग 4,500 से ज़्यादा ये आंकड़ा है, और ये उस दौरान आंकड़ा आया है जिस समय हम लॉकडाउन के फेज़ को देख रहे हैं। हालांकि सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ही जेएंडके में लॉकडाउन को कंटिन्यू किया, 5 डिस्ट्रिक्ट को किया गया था, 4 डिस्ट्रिक्ट को जो है 6 मई तक किया गया है, वहीं 1 राजौरी है वो 10 मई तक लॉकडाउन में है, बाकी जगह जो है रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, अल्टरनेट डेज पे बाज़ार खुल रहे हैं, लेकिन आंकड़ा वो कम होने के बजाय वो बढ़ता जा रहा है। बीच में हालांकि जब केसेस आए थे बढ़ रहे थे, उसके बाद कुछ केसेस में कमी भी आई थी, लेकिन डेथ रेट जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया था, 51 पार कर गया था, लेकिन आज का जो डेथ रेट है वो थोड़ा कम है पहले से, 37 लोग हैं, लेकिन जम्मू डिवीज़न से लगातार डेथ रेट जो है वो पैरेलली कश्मीर डिवीज़न से ज़्यादा ही दिख रहा है। तो जो मेडिकल एंड हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं उस पे यकीनन जम्मू डिवीज़न में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिस कारण जो डेथ जो रेट है उसमें कमी आ सके। फिलहाल मौतों का आंकड़ा जम्मू रीजन में बढ़ता ही जा रहा है, कई इसमें और एक छोटा बच्चा भी है जिसका हमने खबर दिखाई है, लगभग 2 मंथ का बच्चा है जिसे कोविड पॉजिटिव था, उसका भी शव मॉर्चरी में है, जीएमसी में है, उसको भी एक जैसे लोगों में ये भी संदेह इसका मैसेज गया है कि इतने छोटे बच्चे की कोविड से मौत हुई है। तो यकीनन हर किसी को इस समय बहुत सक्रिय और ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने छोटे बच्चों की, बुज़ुर्गों की, ताकि कोई भी संक्रमित ना हो और इस तरह से अचानक से जो है ऑर्गन फेलियर होने की वजह से लोगों की मौतें ना हो। तो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि सड़कों पर अभी भी हम बहुत जगह देख रहे हैं लोग आपको दिखेंगे चलते हुए, गाड़ियां यूं ही चल रही हैं, ज़्यादा कुछ असर आम दिनों में के मुताबिक अगर हम बात करें पैरेलली उतना देखने को नहीं आ रहा जैसे पिछले साल लॉकडाउन में देखने को आया था। रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, वहीं राहुल गांधी ने भी आज इसकी पैरवी की कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि बिना लॉकडाउन लगाए जो केसेज है उसमें कमी नहीं आएगी जैसे पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पर पूरा अमल करेंगी, और उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन जो है वह आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए, उसके अलावा पहले लॉकडाउन की तरफ ना जाएं। तो फिलहाल ध्यान सबसे ज़्यादा खुद की रखने की ज़रूरत है, डबल लेयर मास्क पहने, 2 गज की दूरी और सैनिटाइज़र, जितनी बार बाहर जाते हैं वापस जाके अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें, धोएं, और कोशिश ये करें कि अगर आप अस्पताल, कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिजनों को देखने के लिए अस्पताल जा रहे हैं तो वापस आके अपने कपड़े जो हैं वो धो के अलग से वो रख दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, स्टेट टाइम्स जम्मू।